केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज हुई 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। कई घंटे तक चली इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल सका। अब केंद्र और किसानों के बीच में 19 जनवरी को फिर से बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की सभी शंकाओं को सरकार दूर करेगी, किसान मसौदा दें तो विचार करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि 19 जनवरी को चर्चा आगे बढ़ेगी। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सके। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी से भाग रही है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो वापस घर नहीं लौटेंगे। अज की मीटिंग दे विच जे स्पष्ट कही पिछलिया मीटिंगा वांगू बेसिट्टा रही। किसानों ने जानसार बोलिया कि हम आपसे बोला है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, ना ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है हम उसके आगे अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि वो लोग पहले से उन कानूनों के पक्ष में है। इसलिए सरकार ने कानून बनाए हैं, हम सरकार से बोलते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। इन कानूनों पर बहस होने से बाद सरकार ने बोला हम इनसे जो भी किसानों को कहां से नुकसान करते हैं उन कानूनों में शोध कर सकते हैं। किसान इस बात पर अड़े रहे कि इन कानूनों को शोध नहीं, हमने रद्द करना है और एमएसपी पर कानून बनाना है। वो पुरानी बातें लगातार होती रही बार बार। एक बात किसानों ने जरूर बोली कि हमने जो लोग हमारे संघर्ष की हिमायत करते हैं, चाहे वो प्रेस वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में किसी ने मदद दी है, सरकार जा बदले की भावना के तहत चाहे हरियाणा है, पंजाब है, दूसरे स्टेटों में उन पर झूठे पर्चे दर्ज कर रही है, प्रशासन तंग कर रहा है, इसको रोकना चाहिए, नहीं किसानों में और गुस्सा आएगा। आज जो मीटिंग हुई है, जो बात बार बोल के गए थे वही होया, अंदर सिर्फ प्रचारक तौर पर गलबात होती रही है, कोई भी सट्टा नहीं, कोई एमएसपी से गल नहीं, कोई तीनों किन्ना खेती कानूनों से गल नहीं। सरकार कह रही है रिपील तो बगैर सौदा से मान जो फिर अं एमएसपी से गल करा, असं क्या सानू रिपील रिपील तो घट कुछ नहीं मंजूर नहीं गा, असं यदि सौदा से सौदा सानू मंजूर नहीं गा, तिने खेती कानून रद्द किए जा, एमएसपी की जी गरंटी वाला कानून बनाया जाए। बहस नहीं, वहां पर पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहां पर बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे, कमेटी के उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे, ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकला ऐसा लग रहा, क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट पेश इनको करना होगा तो सेशन बुलाना पड़ेगा, सेशन बुलाएगा तो सेशन में हंगामा होगा, तो विपक्ष वालों को भी तो देखना, तो ना वे भी कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, वे वैसे सुख के ही।